जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मनक्कसो का भाईचारा जिंदाबाद 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 मनक्कसो का भाईचारा जिंदाबाद 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 अभी तो नियम लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो नियम लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो नियम लड़ाई है आगे और लड़ाई है। एकता अगर आपकी मजबूत है, अनुशासन अगर आप लोगों अनुशासन में अगर आप लोग हैं तो आप लोगों की जीत को कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को 3 महीने हुए, हम 3 साल भी लड़ सकते हैं अगर हम लोग एक हैं तो। जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रशासन से, सरकार से, मैनेजमेंट से जीत निश्चित है। आज किसी भी मजदूर ने अगर एक रह के लड़ाई लड़ी है तो जीतता है, कभी भी पीछे का आप इतिहास उठा के देख लो। मजदूर को हराता है, सिर्फ मजदूर ही हराता है। अगर मजदूर उसका साथ छोड़ देता है तो मजदूर की लड़ाई पिट जाती है, वरना साथियों दुनिया की कोई ताकत मजदूर की लड़ाई को नहीं पिट सकती। साथियों बाकी रही आगे की बात, आगे भी आप लोगों को स्पष्ट बता दिया जाता है कि जो भी फैसला होगा वो आप लोगों के हित को देखते हुए होगा, ना कि कोई किसी के पर्सनल स्वार्थ के लिए होगा। हम लोग पहले भी कहते आए हैं, लाठी चले या गोली, पहले हम लोग खाएंगे साथियों, बाद में आप लोगों तक जाएगी वो। साथियों ये तो थी मतलब जो हमारी तरफ से आश्वासन की बात, हमेशा अपनी जान को रिस्क में लगा के आप लोगों के लिए लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे साथियों। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अभी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रधान जी से, सोनू गुजर जी से, वो अभी आए हैं, अभी अभी हमारे बीच में आएंगे और अपने विचार रखेंगे। साथी सोनू कुमार जी, हरियाणा भवन में आज एक मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, बहुत भारी संख्या में हुई है, सारी यूनियन वालों की, बड़े बड़े एमपी वगैरह की। उसमें एक ही बात हुई है कि भाई जैसे हमने और आज जैसे हमारे बच्चों ने हाई कोर्ट का जो फैसला था वो माना है और जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसको हमने सम्मानजनक अपनाया और हम जो प्लांट है वो हमने खाली किया, क्योंकि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना सरेआम गलत था। तो ये बात वहाँ पे हुई है। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन लिखा है और एक लिखा है हमारे ये मुख्यमंत्री इनको हुड्डा साहब को कि भाई जैसे 17 तारीख जो फिक्स की गई है, आप लोगों को पता है भाई 17 तारीख एक फिक्स रखी गई है, भाई ठीक है 17 तक या तो इनका फैसला करवा दो, अगर 17 तारीख तक इनका फैसला नहीं होता तो जो भी औद्योगिक विवाद में अशांति फैलेगी, प्लांट बंद होंगे, कुछ भी होगा, उसके लिए ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेवार होंगे और कोई जिम्मेवार नहीं होगा। तो साथियों जैसे आप लोग यहाँ लड़ रहे हो, ऐसे ही जो हमारे एमपी हैं वो हमारे लिए दिल्ली में लड़ रहे हैं। तो एक बात कहना चाहूंगा मैं कि जो हमारी एकता है, शायद ही ऐसी एकता किसी आंदोलन में हुई होगी, क्योंकि 3 बार जो विवाद छिड़ा हुआ है, 3री बार भी जो विवाद हुआ है उसमें जितनी शक्ति हमारे स्टार्टिंग में थी, जितनी मैन पावर हमारे साथ थी, उतनी मैन पावर आज भी हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, भविष्य में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक प्लांट के लिए बाकी 3 प्लांट बिल्कुल ही बंद हो गए हो, कि भाई जब तक मारुति वालों का फैसला नहीं होगा जब तक नहीं उठाओगे। जब ये सरेआम आप लोगों को पता है भाई, कास्टिंग में भी यूनियन है, पावर ट्रेन में भी यूनियन बनी हुई है और बाइक प्लांट में भी यूनियन बनी हुई है। उनकी ना तो कोई यूनियन की मांग है, ना उनकी कुछ मांग नहीं है, उनकी बस एक ही मांग है कि भाई मारुति का जो समझौता है, जो मैनेजमेंट ने जिस समझौते की उल्लंघना की है वो दोबारा अब समझौता होगा और जो सत्य यहाँ के वर्कर जो इनके प्रतिनिधि बताएंगे उनका पूरा करना है। हम जब उठेंगे, जब प्रोडक्शन होगा, जब मारुति की शर्तें पूरी हो जाएंगी, नहीं तो कोई भी प्लांट नहीं चलेगा जब तक। कि भाई वो कह रहे हैं भाई कोई लाइनिंग दो, कहाँ तक आप लोग समझौता करोगे, कोई लाइनिंग बताओ क्या है क्या नहीं। मैं भाई हमारी तो एक लाइनिंग है, जैसे सुबह ही बात हुई थी, सारे लड़के अंदर हों, जो कैजुअल भाई हैं, जो परमानेंट हैं, वो जो भी हैं, वो सारे अंदर हों, बस फैसिलिटी दोबारा लागू की जाए
और वही यूनियन का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, जो 64 दिन की सैलरी काटी है समझौते अनुसार वो सैलरी काटी जाए, और ये जो है हमारी लीगल या इनलीगल जो भी है वो कोर्ट ने आप लोगों को बता दिया, हमारी इनलीगल ये स्ट्राइक नहीं है, हम एक मजबूरी है जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई ये हमारी डिमांड है, ये है हमारी लाइन भाई, इससे अलग हमारी कोई लाइन नहीं है भाई। जितनी भी यूनियन है वो हमारी एकता को देख के ही हमारे साथ जुड़ी है। और साथियों एक चीज बता दूं, जैसे जो 17 तारीख है, चलो इन्होंने तो 17 तारीख रखी हुई है जो हमारे टॉप लीडर हैं, लेकिन हम तो भाई ये मान के चलते हैं कि शायद हमें 2 महीने और भी बैठना पड़ेगा, इस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई 17 को 18 19 को फैसला हो, हमें फैसला चाहे महीना लग जाए लेकिन अब की बार जो है अच्छा फैसला लेके उठेंगे, नहीं तो भाई उठेंगे नहीं। पहली बात तो ये, अखबार वाले आए थे और कुछ मीडिया वाले थे, और जैसे गुड़गांव प्लांट वाले, वो बस एक ही चीज पूछते हैं हमसे कि भाई इतना कुछ हो रहा है भाई फिर भी आप लोग हंसते रहते हो, क्या कारण है? तो भाई देखो ऐसा है, हम तो देखो दूसरा ये सोचता भाई जीत है, अगर हम हंसने लग जाते हो ऑटोमेटिक सोच लेता है कि भाई तुम तो हारे पड़े हो तो वैसे ही जीते पड़े, इनकी जीत तो निश्चित है। तो ये है मेन कारण। तो साथियों अपना जो फैसला है वो करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, और जैसे शाम ढलती जा रही है, आज जैसे करवा चौथ है सबको बताया भाई, तो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपनी हाजरी वाजरी दिला दो और भाई फोन पे बात कर लो अपनी जिससे करनी है, ठीक है।